देश का पहला मानव ड्रोन 130 किलो का वजन उठा सकता है। ये ड्रोन 130 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता है और 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में हवा में तकनीकी खराबी के बाद सुरक्षित लैंडिंग करने की सक्षम भी है। आपने बिना मानव के उड़ने वाले ड्रोन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अब इंसान को ले जाने वाला ड्रोन भी आ गया है। जी हाँ, ड्रोन की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देश के पहले मानव ड्रोन का परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखा था। इस ड्रोन को पुणे के चाकन में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया है। इसे बनने में 4 साल से ज्यादा का समय लगा। काफी मेहनत के बाद ये ड्रोन बनकर तैयार हुआ है। इस ड्रोन को भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल भारतीय सेना के लिए तैयार इस ड्रोन की क्षमता 130 किलो वजन के साथ उड़ान भरने की है। कंपनी के सह संस्थापक रितुल बब्बर ने इस ड्रोन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में एयर एम्बुलेंस या फिर सामान ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। ये ड्रोन 130 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता है और 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में हवा में तकनीकी खराबी के बाद सुरक्षित लैंडिंग करने की सक्षम भी है। ड्रोन पर एक पैराशूट लगाया गया है जो कि आपात स्थिति में खुल जाता है और ड्रोन सुरक्षित जमीन पर उतार जाता है। यानी ये ड्रोन पूरी तरह से सुरक्षित है और उड़ान भरते हुए डरने की जरूरत नहीं होगी। इस ड्रोन के कुछ ही दिनों में भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसे रिमोट की सहायता से उड़ाया जाता है। अभी तक छोटे प्रकार के ड्रोन बनाए जाते थे, लेकिन अब इंसानों को उड़ाने वाला ड्रोन बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।